हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय अनदर ब्लॉग्स। और आज का वीडियो क्या होने वाला है, आज कहाँ आई हूँ, आप लोगों को क्या दिखाने वाली हूँ, वीडियो में बने रहो, आप लोगों को पता लग जाएगा। मैं जहाँ आई हूँ मंदिर है, जो टेंपल है, कौन सा टेंपल वो दिखाऊंगी आप लोगों को, कौन सा मंदिर है। उससे पहले मैंने सोचा कि ये जो पेड़ है इसके नीचे आई हूँ तो ये पेड़ भी दिखा दूँ, जो पेड़ के नीचे खड़ी हूँ, क्योंकि काफ़ी गर्मी है, गर्मियों का मौसम है तो गर्मी होगा, धूप है, लेकिन फिर भी मतलब इस पेड़ के नीचे खड़े होने के बाद जो छाव और इसकी जो छाया मिला उससे काफ़ी राहत मिला और काफ़ी अच्छा लगा। तो मुझे लगा आप लोगों को भी दिखा दूँ और आप लोगों को भी अच्छा लगा हो। ये पेड़ देखिए कितना सुंदर गोल सा पेड़ है। गाड़ी से काफ़ी पहले उतर गई थी, उतरने के बाद गाड़ी तो आगे चला गया पार्किंग करने और मैं वीडियो बना बना के जा रही हूँ और आप लोगों को बताते जा रही हूँ, लेकिन अभी तक दिखाई नहीं हूँ। तो पहुँच चुकी हूँ यहाँ पे और अब दिखाने वाली हूँ। फ्रेंड्स, मैं यहाँ जो आई हूँ, बालाजी टेम्पल है ये देखिए, जो बालाजी मंदिर, तो पास में ही हूँ, अंदर जाऊँगी इधर से अभी मैं। और काफ़ी भी लोग आए हुए हैं, बहुत सारे लोग आ रहे हैं। ये देखिए बालाजी टेम्पल, जो हमारे यहाँ के गुवाहाटी के, आप लोगों ने देखा ये रहा बालाजी टेम्पल जहाँ पे मैं आई हूँ। और यहाँ पे मैंने आप लोगों को कहा कि यहाँ की मैं आप लोगों को वीडियो दिखाऊंगी, लेकिन जो भी दिखाऊंगी बाहर की ही दिखाऊंगी, क्योंकि अंदर में फ़ोटो वीडियो अलाउ नहीं है। साफ साफ लिखा हुआ है यहाँ पे और काफ़ी बड़ा बड़ा अक्षरों में, मैं आप लोगों को भी दिखाती हूँ। तो बालाजी टेम्पल आप लोगों ने जैसे कि देखा, और ये देख सकते हैं फ्रेंड आप लोग, जो पूरा साफ साफ लिखा है यहाँ पर, अंदर का वीडियो और फोटो नहीं ले सकते हैं, अलाउ नहीं है। तो बस मैंने आप लोगों को बाहर का ही दिखाया, और बाहर की जितनी है वो सारे कोशिश करूँगी दिखाने के लिए। देखा अंदर का मैं फ़ोटो वीडियो कुछ भी नहीं ले सकती हूँ, नहीं दिखा सकती हूँ, लेकिन जो पार्क है, आजू बाजू की जो गार्डन बना हुआ है, और मंदिर जो चारों तरफ से इतना ऊँचा, इतना खूबसूरत, वो सब कुछ दिखता है यहाँ पे। जो जो सकूँगी वो सब कुछ दिखाऊँगी, मतलब यहाँ पे तो वीडियो लेना अलाउ ही नहीं है, फिर भी बाहर के तो ले ही सकते हैं। गार्डन के देखिए कितना खूबसूरत है, और उस तरफ पार्किंग है, इधर और कुछ कुछ है वो भी दिखाती हूँ क्या क्या है। ये जो मेन गेट था वो, और इधर से आने के बाद वहाँ पर जूता चप्पल रखता है वो है, और वहाँ पर देखिए और एक मंदिर, और इस तरफ तो पार्किंग है। इधर जा रही हूँ और इस तरफ आ चुकी हूँ, और यहाँ से आप देख सकते हो बाहर से मंदिर का जो दृश्य है कितना खूबसूरत है, बहुत ज़्यादा सुंदर है, और रात होने से और भी ज़्यादा सुंदर लगता है, बहुत खूबसूरत लगता है, क्योंकि पूरा लाइट जला देता है तो तब देखने में और अच्छा लगता है। मौसम भी बारिश सा हो चुका है, लगता है बारिश आने वाला है। बारिश आ जाए तो काफ़ी अच्छा भी लगेगा, क्योंकि जितना गर्मी है। तो मंदिर जैसे कि ये रहा दूसरा, इधर से और एक गेट घुसने के लिए, और इधर और उस तरफ मंदिर, जो अंदर नहीं दिखा पाई हूँ क्योंकि अंदर नहीं दिखा सकती हूँ, लेकिन आजू बाजू का देख के आई होप आप लोगों को अच्छा लगा हो, क्योंकि बाहर से भी देखने से मन खुश हो जाता है जितना देख पाई है आप लोग, क्योंकि मैं तो जब भी आती हूँ बाहर से देख के ही खुश हो जाती हूँ। अंदर में तिरुपति बालाजी है, उनका मंदिर है, सबको पता ही होगा बालाजी यानी तिरुपति बालाजी का ही मंदिर है। ये देखिए एक जो लिजर्ट है वो बैठा हुआ है, और ये ना पूरा देखिए हरा सा है, लगता ही नहीं, ये पूरा ग्रीन हो रखा है, तो मतलब पत्तियों में घुसा है ना, तो थोड़ा डर सा लगता है मुझे ऐसे लिजर्ट को देखकर। और आज का जो मौसम है फ्रेंड्स, ये भी देख सकते हो बारिश जैसा हुआ, मंदिर के ऊपर इतना सुंदर लग रहा है, और मंदिर को भी देखकर, और मंदिर के जो गार्डन है ये आप लोग देख सकते हो कितना सुंदर से यहाँ पे, इतना खूबसूरत से बना के रखा हुआ है, और वहाँ पे एक नाग देवता बना हुआ है।
तो ऐसे जगह में आने से मन में क्योंकि बहुत ज़्यादा सुकून शांति सा मिलता है, क्योंकि देखिए भगवान का स्थान पे कितना खूबसूरत पेड़ जो है ये सब, और इतना सुंदर ये गार्डन पूरा हरा खिला हुआ एकदम। अभी जो उस तरफ गई थी उस तरफ का मैंने दिखाया आप लोगों को, और उसके बाद यहाँ पे भी जो है एक गेट है इधर भी जो प्रवेश द्वार वो है, लेकिन मेन प्रवेश द्वार तो वही है जो सबसे बड़ा है वो। और इधर का आजू बाजू का गार्डन भी आप लोग देखिए बहुत ज़्यादा सुंदर है। यहाँ पे बैठने से मन में सुकून शांति बहुत अच्छा से मिलता है, क्योंकि लोग भी आते हैं और देखिए कितने सारे लोग आए हैं यहाँ पे। रात होने से बहुत ज़्यादा लोग होते हैं शाम के वक्त। तो मंदिर देख के आई होप आप लोगों को अच्छा ही लगा होगा, क्योंकि जो भगवान के भक्त होंगे उन्हें तो मंदिर देख के अच्छा ही लगना है। और ये गार्डन जैसे कि यहाँ पे गई थी बैठी थी वो भी काफ़ी अच्छा लगा। अब चल के इधर जा रही हूँ, थोड़ी सी गार्डन में बैठूँगी अभी, और लोगों का अभी भी आना है क्योंकि आते रहते पूरा सुबह से रात तक। उस पेड़ पे मैं गई थी और उस पेड़ में जाके मैंने वीडियो वहाँ पे भी शूट किया था, और इधर गई थी उधर गार्डन जो है उस फूलों की तरफ भी। जैसे कि देखा आप लोगों ने काफ़ी चल चुकी हूँ और हील चप्पल पहना है मैंने, तो थोड़ा प्रॉब्लम होता है चप्पल तो वहाँ पे रख सकता है, लेकिन बाहर की जब दिखा रही थी तो मैंने नहीं रखा, जो मतलब पहन के चल लेती हूँ और क्या। तो अभी यहाँ पे थोड़ी सी बैठी हूँ, बैठ के आप लोगों से बातें कर लेती हूँ। देखा आप लोग जो ये पीछे का भी कितना फूल सब बहुत ही अच्छे से लगाया हुआ है, इतना सुंदर से रखा हुआ है। ये देखिए इनको क्या हवा खा रहा है क्या? हाँ एकदम एसी जैसा हवा मिल रहा है, एसी जैसा हवा मिल रहा है। हाँ और यहाँ पे देखिए ये जो गार्डन उस तरफ गई थी ना फूल था, और उधर लाइट भी है देखिए, ये सब जो लाइट है रात होने से ये सारा लाइटिंग होता है, लाइट जल जाता है तब। और काफ़ी लोग जो है बैठे हैं, और काफ़ी लोग उधर भी बैठे हैं, और काफ़ी लोग रील्स ऐसा फोटो शोटो भी बना ही रहे हैं। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, मन हो तो करो, मन नहीं हो तो मत करो।